हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं मूली का अचार, और आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ मूली के अचार बनाने की निंजा टेक्निक। तो फ्रेंड्स, ठंड आ चुकी है और ठंड में कुछ चटपटा सा और गर्मा गर्म हो जाए तो उसका क्या कहना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि मूली का अचार कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसे बनाने के लिए हमें क्या इन्ग्रीडियंट्स चाहिए होंगे। हमें चाहिए मूली, हरी मिर्ची, धनिया पत्ती। मसालों में हमें चाहिए नमक, हल्दी, मिर्ची, अमचूर, काला जीरा, सौंफ और हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट हींग, जो इसके टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज करने वाला है। और इन सब को फ्राई करने के लिए हमें चाहिएगा ऑयल। सो अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप मूली को अच्छे से धोकर और उसे छील लें। हमने मूली को अच्छे से धोकर इसे छील लिया है और अब हम इसे काटेंगे। काटने के लिए आपको जो टेक्निक मैं बताने वाली हूँ वो आप फॉलो कीजिए। तो आप कुछ इस तरीके से मूली को काटेंगे। तो ये कुछ ऐसी दिखाई देने वाली है। इस प्रकार हमने सारी मूली को इस तरीके से काट लिया है और हमने धनिया पत्ती और मिर्ची को भी महीन काट लिया है। अब हम इस हरी मिर्ची को इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस अचार बनाने की निंजा टेक्निक ये है कि हम इसमें जो मसाले हैं वो पहले ही ऐड करने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखें कि हमें नमक पहले ऐड नहीं करना है। यदि हम नमक पहले ऐड कर देंगे तो ये पानी छोड़ देगा, इसलिए हमें नमक को बाद में डालना है। तो अब हम इसमें मसाले मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले हम मिर्ची लेंगे। मिर्ची हमें डालना है 2 चम्मच। तो हमने इसमें 2 चम्मच मिर्ची डाल दी है। अब हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे अमचूर पाउडर, जो इसके खट्टे टेस्ट को बढ़ाएगा। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी। इन सभी मसालों को डालने के बाद में हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे। आपको इन मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि इन सभी मसालों का टेस्ट मूली के अंदर अच्छे से फैल जाए। इस तरह हमने सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब आप देख सकते हैं ये ऐसा दिखाई देगा। अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हमने ऑयल ले लिया है और ऑयल को गर्म करेंगे। इसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है काला जीरा, सौंफ और हींग। आप हींग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। हम यहाँ पे ले रहे हैं 1/2 चम्मच हींग, क्योंकि फ्रेंड्स कुछ लोगों को हींग का टेस्ट ज़्यादा पसंद होता है और कुछ को कम, इसलिए ये आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। काला जीरा हमने ले लिया 1 चम्मच और सौंफ भी ले लिया है हमने 1 चम्मच। अब हम तड़का लगाएंगे। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए हम डालेंगे काला जीरा, सौंफ और 1/2 चम्मच हींग। और ये जो लाजवाब खुशबू आ रही है उसका तो क्या कहना। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और आप देख सकते हैं ये कितना बढ़िया लग रहा है। अब हमारा ये मूली का अचार तैयार हो चुका है। आप एक चीज का ध्यान रखिए कि अभी हमने इसमें नमक ऐड नहीं किया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि हम इसमें नमक पहले डाल देंगे तो ये पानी छोड़ देगा। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें नमक इसे ठंडा होने के बाद ही डाल। अब ये ठंडा हो चुका है और मैंने आपको बताया वैसे कि ठंडा होने के बाद ही इसमें आपको नमक ऐड करना है, इसलिए अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हम यहाँ पे डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक और हम इसे अच्छे से मिला देंगे। तो ये हमारा गर्मा गर्म चटपटा मूली का अचार रेडी है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। तो हमने इसे अब बोल में ट्रांसफर कर लिया है और गार्निशिंग के लिए हम इस पर धनिया पत्ती डालेंगे, जो इसके टेस्ट को और भी यम्मी बना देगी। तो ये था हमारे मूली का अचार। आप इसे बना के रख सकते हैं, 2-3 दिन तक ये खराब नहीं होता है और आप इसे ट्रैवल में भी ले जा सकते हैं।
तो यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।